डॉक्टर साहब मुझे इनका बयान लेना है। सॉरी इंस्पेक्टर, पेशेंट को 24 घंटे लगेंगे होश में आने में। आर यू श्योर? आई एम श्योर। वैसे ये लड़की कौन थी? इनके कोई फैमिली मेंबर। नीता बेटे रो मत बेटे, सागर से मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। उसे अब समझाने से कोई फायदा नहीं पुआ। मेरा प्यार तो एक तरफा था, वो तो किसी और से प्यार करता है। लेकिन तू तो कह रही थी कि तू उसके बच्चे की माँ। ऐसा कुछ भी नहीं है बुआ, वो तो मैंने उससे शादी करने के लिए ऐसे कह दिया था, अब क्या? ताकि पापा इनकार ना कर सके। भैया इतना घिनौना मजाक, तुझे पता है तेरे इस मजाक ने मेरी आत्मा को कितनी चोट पहुंचाई है? जाने दीजिए। तू चुप कर, तेरी परवरिश की वजह से यह सब हुआ है। तू जिस रास्ते पे चली है वही रास्ता ही अपनाना चाहती है। मक्कार कहीं की। आज के बाद तू इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। नहीं पापा, पापा ओपन द डोर, पापा दरवाजा खोलिए, पापा पापा प्लीज। जग्गू। यस सर। जगजीवन। यस सर। इस लड़की के लिए लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो इस लड़की के लिए। कैसा भी हो, हंगा लंगड़ा लूला कैसा भी हो, मुझे फौरन इसकी शादी करनी है। जी खबर मिली है कि सागर बच गया है। ये मनहूस खबर सुनाने के लिए मुझे फोन किया। तुम्हारे भी नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। मरवा दो साले को, हॉस्पिटल में कोई आदमी भेज कर। नरक बना दिया है मेरी जिंदगी को उसने। जग्गो। यस सर। सागर बच गया है। क्या? हाँ, इससे पहले कि वो पुलिस को अपना बयान दे, हॉस्पिटल जाओ और उसे खत्म करते हैं। लेकिन सुन मेरी बात, मैंने इस ब्रीफ केस में पैसे और पासपोर्ट रख दिए हैं। काम कर और निकल जा, पकड़। और सुन, जैसे ही हालात ठीक होंगे ना मैं तुझे बुलवा लूंगा। शाबाश। ओके। तुम जिस हरकत को तुमने बदतमीजी मानकर मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था, वही हरकत आज तुम्हारी अदा कैसी हो गई? हाँ, यह अदा नहीं, सौदा है। मैं किसी पर मर मिटी थी और अब अपने आप को आग के हवाले करने आई हूं। मैं समझा नहीं। तुम सागर को मारने जा रहे हो ना? मैं तुमसे अपनी जिंदगी के बदले सागर की जिंदगी का सदका चाहती हूं।